हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारे चीज़ें। मेरे पास तुलनात्मक राजनीति की बुक है जो राजीव जी सी चौरी की है। ये बुक काफ़ी महंगी है, बट यू कैन परचेज दिस या एज यू लाइक, बट आई विल टीच यू दैट दिस बुक इज़ सबसे नया एडिशन है और अभी हाल फिलहाल एडिशन 2022 का एडिशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक तुलनात्मक राजनीति की बुक है, तुलनात्मक राजनीति, देखो तुलनात्मक राजनीति की बुक है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं। ये PGT से संबंधित टॉपिक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको जो है UPSC UPPCS में आने वाली परीक्षाओं के विषय में भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या टॉपिक रहते हैं। देखते हैं तुलनात्मक राजनीति क्या स्वरूप क्या है, उसके मुख्य उपागम के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखते हैं, शुरू में पहला चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है और बाकी चैप्टर तो होते ही होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर में क्या है तुलनात्मक राजनीति में, तो तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति क्या कहती है। तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, हालिया में शुरू करते हैं। हालिया समय में आधुनिक सामाजिक विज्ञान ने हमारे चारों ओर के अनुभाविक तथ्यों के जगत का व्यवस्थित रूप में प्रेक्षण करने, तुलना करने, प्रक्रियाओं के परिणामात्मक मापन एवं तार्किक और गणितीय विश्लेषण करने की शक्ति में वृद्धि की है। तो जो हालिया समय चल रहा है वो आधुनिक सामाजिक विज्ञान ने हमारे चारों ओर के अनुभाविक तथ्यों, चारों ओर का जो अनुभाविक जो जिन तथ्यों को हम देखते हैं, तथ्यों के जगत का व्यवस्थित रूप में प्रेक्षण करने, उनका सिस्टमेटिक रूप में प्रेक्षण करने, तुलना करने और प्रक्रियाओं के परिणामात्मक मापन एवं तार्किक और गणितीय विश्लेषण करने की शक्ति में वृद्धि की है। तो आधुनिक समय में ये बात चल रही है, सामाजिक विज्ञान में आता है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें ये बात ये रखी जा रही है कि हमारे चारों ओर अनुभाविक तथ्यों के जगत के व्यवस्थित रूप में प्रेक्षण करने, तुलना करने और प्रक्रियाओं के परिणामात्मक मापन एवं तार्किक और गणितीय विश्लेषण करने की शक्ति में वृद्धि हुई। साथ ही व्यवहारपरक विज्ञानों ने हमें इस बारे में यथेष्ट नई और आंशिक रूप में सत्यापित जानकारी प्रदान की है और व्यवहारिक विज्ञानों ने हमें इस बारे में यथेष्ट और नई और आंशिक रूप से सत्यापित जानकारी प्रदान की है। किस प्रकार लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में किस प्रकार से लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में विचार, अनुभव, आभास और अभ्यास करते हैं, आभास और कार्य करते हैं। ये बात कह रहे हैं कार्ल डाइस। ये कह रहे हैं कि आज समाज विज्ञान इतना विस्तृत हो गया है कि उसने हमें बताया है कि किस तरीके से तथ्यों को देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, किस तरीके से तुलना की जाए, किस तरीके से परीक्षण किया जाए। साथ ही साथ व्यवहार पर विज्ञानों ने हमें इस बारे में यथेष्ट नई आंशिक रूप से सत्यापित जानकारी दी है और सत्यापित जानकारी दी है कि किस प्रकार लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में विचार, अनुभव, आभास और कार्य करते हैं, कार्ल डाइस कहते हैं। तो ये सारी बातें आगे चलते हैं। क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का विषय वस्तुतः राजनीति विज्ञान के विस्तृत होते हुए क्षितिज की दिशा में एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम विशेष रूप से 1950 के संशयवादी दशक और 1960 के दृढ़ संकल्प वाले दशक में यह देखने के लिए संख्याओं और अंधकार के मैदान में ऊंचे पठार पर उभर कर आए प्रतीत होते हैं कि हमारे अवशेष पूर्ण प्रयासों से ऐसा क्या निर्माण किया है जिसमें इस ज्ञान शाखा के प्राण तत्व ने अपने भूतपूर्व महत्व को खो दिया है। तो ये जो कह रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति की विशेष वस्तुतः राजनीति विज्ञान के विस्तृत हुए क्षितिज की, कि राजनीति विज्ञान आज इतना विस्तृत हो गया है कि क्षितिज की दिशा में ऐसा अध्ययन है, उस विस्तृत होते क्षेत्र की दिशा में एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हमें विशेष रूप से 1950 के संशयवादी दशक, 1950 का कह रहे हैं संशयवादी दशक और 1960 के दृढ़ संकल्प वाले दशक में यह देखने के लिए शंकाओं और अंधकारों के मैदानों से ऊंचे पठार पर उभर कर आए प्रतीत होते हैं हमारे आवेश पूर्ण प्रयासों ने ऐसा क्या निर्माण किया है जिसमें इस ज्ञान शाखा के पुराने तत्वों ने अपना भूतपूर्व महत्व खो दिया है या अब उन्हें कम से कम नए प्रकाश में देखा जाता है। उदासीनता के कारण जिन विषयों का महत्व कम अथवा समाप्त हो गया था भी अब राजनीतिक ज्ञान की उस घाटी में हमारे परिप्रेक्ष्य और जागरूकता में उभर कर सामने आए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति विज्ञान का इतना विस्तृत क्षेत्र हो गया है कि उसके जो ज्ञान का क्षेत्र पहले दब गया था, जो पुरानी विचारधाराएं थी वो अब दोबारा से उभर के आई हैं, वे अब राजनीतिक ज्ञान की उस घाटी में हमारे प्रत्येक की जागरूकता में उभरकर सामने आए हैं जिसमें तीव्रता से बहस बहती व्यक्त धाराएं और स्वच्छ व निर्मल कुंड परिकल्पनात्मक राजनीतिक दर्शन भी है। इस महत्वपूर्ण दिशा में जिसने अभिप्रेरक बल की भूमिका निभाई है उसका संबंध ऐसे नए तरीकों, तकनीकों, उपागमों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता के अध्ययन के निरूपण से है। ये कह रहे हैं कि जो इस राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक रूप से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन से तरीके हैं, वो क्या क्या तकनीकी हैं, वो क्या अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उपागम है कि माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता के अध्ययन में सहायता मिलती है जिससे इसके अंतर्गत राजनीति का समस्त क्षेत्र आ जाए। परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बल्कि सरकारों का अध्ययन केंद्रीय विषय बन गया है। राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा देना बहुत कठिन हो जाता है। अभी भी राजनीति विज्ञान जो है उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ वो लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि राज्य का कोई स्वरूप नहीं होता इसलिए अमूर्त वस्तु है राज्य और उसको अमूर्त रूप देने का कार्य सरकार करती है, इसलिए राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। और कुछ जो मिश्रित परिभाषा ये मिलती है कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है, तो इसीलिए ये बात यहाँ बोली जा रही है जिसके अंतर्गत राजनीति का समस्त क्षेत्र आ गया। परिणाम स्वरूप सरकार नहीं बल्कि सरकारों का अध्ययन केंद्रीय विषय बन गया है, जिसका निहितार्थ निर्णयों का निर्माण है, चाहे वो यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र में लिया गया हो अथवा नगर परिषद में या व्यापार संघ में। तो ये बात ये बोली जा रही है कि वर्तमान क्षेत्र चल रहा है वो राजनीति विज्ञान में कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, ये सारी बात इसमें बोली जा रही है। जैसे इसका अध्ययन केवल सरकार नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन है, कुछ कह रहे हैं कि निर्णयों का निर्माण अध्ययन है, चाहे वह निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में लिए जाएँ या नगर परिषद में या व्यापार संघ में लिए जाएँ इत्यादि में। तो आगे क्या बात हो रही है उसके बाद पे थोड़ा वो ध्यान लगाते हैं उस बात पर कि
अथवा पोप की गुप्त सभा में, बोर्ड के कक्षों में या किसी कबीले में लिए जाने निर्णय इसी महत्वपूर्ण कार्य से तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक महत्व का विषय बन गई है और अब इसमें एक नए उपागमों, न्यू अप्रोचेज, नई परिभाषाओं, नए अनुसंधान उपकरणों के माध्यम से प्रयोग किए जा रहे हैं। शायद कि इस विषय के बारे में परंपरागत विवरणात्मक दृष्टिकोण से व्यापक रूप में निराशा, संतुष्टि की भावना वर्तमान बौद्धिक आक्रोश का मुख्य कारण है। तो ये जो कुछ कह रहे हैं कि सरकार का अध्ययन, कुछ कह रहे हैं नहीं सरकार के अध्ययन का विषय है, कुछ कह रहे हैं निर्णय निर्माण का विषय है, चाहे निर्णय वो संयुक्त राष्ट्र में लिए जाएँ या किसी बोर्ड के कक्ष में या फिर गुप्त पोप की गुप्त सभा में लिए जाएँ और उसके लिए नए नए उपागम क्या हो, दृष्टिकोण क्या हो, उन सबका ये तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति अभिप्राय स्वरूप क्षेत्र और राजनीति के नए आविर्भाव, इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, राजनीति के विज्ञान के आविर्भाव क्या है। राजनीति का अविरल कालातीत सतत परिवर्तनशील सार्वजनिक कार्यकलाप है। तो राजनीति एक अविरल है, अविरल मतलब लगातार चलने वाली, कालातीत मतलब बहुत पुरानी, सतत परिवर्तनशील है, लगातार बदलती रहती है और सार्वजनिक कार्यकलाप है और सबके जीवन से जुड़ा हुआ एक कार्य है, कार्यकलाप है, जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति विषय में अवस्था प्रेडिसमेंट या पढ़ने पर उसका समाधान करने के निर्णय करने के लिए निर्णय निर्माण करने में होती है। एक विशेष प्रकार की क्रिया मानव व्यवहार के रूप में प्रभावित होती है। इसका निर्देश उस निर्णय निर्माण से है जिसमें कुछ न कुछ राजनीतिक कार्यकलाप निहित होता है। यह दूसरी बात है कि राज्य वैज्ञानिक राजनीतिक कार्य की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। राज्य वैज्ञानिक राजनीतिक कार्य की व्यवस्था अपने तरीके से करते हैं जिसमें उन्हें रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनलिस्ट, परंपरावादी, आधुनिकवादी, मॉडर्निस्ट कहा जाता है। कुछ राज्य वैज्ञानिक राजनीति शास्त्र के वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं और राजनीतिक कार्य की व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। इसी तरीके के कारण उन्हें रूढ़िवादी, परंपरावादी और आधुनिक कहा जाता है। यही कारण है कि ऑक्सफोर्ड ने राजनीतिक क्रिया की परिभाषा ऐसे कार्यकलाप के रूप में की है जिसमें एक संघ, सभ्य संघ होने के नाते एक दूसरे से संबंधित लोग वांछनीयता के दृष्टिकोण से संबंध की व्यवस्था परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। इन व्यवस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव करते हैं, प्रस्तावित परिवर्तनों और उनकी वांछितता के बारे में वैचारिक एकता लाने का प्रयास करते हैं और इन परिवर्तनों के संवर्धन के लिए उपयुक्त कार्य करते हैं। तो डेविड ईस्टन इसे मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू के लिए कार्य कहते हैं। हेरल्ड लासवेल और रॉबर्ट डाडल इसे सत्ता के उपयोग में विशेष स्थिति कहते हैं और जीन ब्लाडेल निर्णय निर्माण के विषय पर बल देते हैं। बहरहाल ऑक्सफोर्ड ने राजनीतिक कार्यकलाप शब्द की सूक्ष्म व्याख्या इन शब्दों से की है कि राजनीतिक कार्यकलाप में लोग एक असीम अथाह समुद्र में तैरते हैं। तो ये कहते हैं कि राजनीतिक कार्यकलाप में लोग असीम अथाह क्षेत्र में तैरते हैं, वहाँ ना बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है, ना ही लंगर, ना ही कोई था, ना कोई प्रारंभिक स्थान और ना ही कोई निश्चित गंतव्य होता है, ना ही कोई उद्यम होता है, समतल पर तैरता रहता है, समुद्र मित्र है, समुद्र शत्रु है, दोनों होता है। तो आगे चलते हैं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के तीन लक्षणार्थ हैं कौन कौन से हैं। राजनीति क्षेत्र के लिए तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में तीन शब्द हैं या तीन लक्ष्य कौन कौन से हैं, राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राजनीतिक कार्यकलाप। राजनीतिक कार्यकलाप का अर्थ है कैसे राजनीति में क्या क्या काम किए जाते हैं और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया क्या होती है और राजनीतिक सत्ता। इस बात की ओर पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि राजनीतिक कार्यकलाप के अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जिनसे विरोध की स्थितियों का निर्माण होता है। ऐसे राजनीतिक क्रियाकलाप उसे कहते हैं जिनके अंतर्गत कोई विरोध की स्थिति का निर्माण होता है और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्ष में रत लोग अपने हितों की यथा संभव रक्षा कर सकें। तो ये मैंने बात आपको राजनीति विज्ञान की तुलनात्मक राजनीति के विषय में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया है। तो कल इसमें बात जारी रखेंगे, यहाँ तक हमने इस पर बात कवर करी है, कल इस पर जारी रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। धन्यवाद।